सो हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सत्यादी शर्मा क्लासेस मैं श्रुति त्रिपाठी सत्यादी शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो जैसा कि हम इस टाइम में यानी कि एक से दो में साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि स्पेशली इस कॉन्स्टेबल में जो आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं शिफ्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं तो आई होप ये लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कैसे शिफ्ट में या शिफ्ट बढ़ने के साथ क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है या कैसे क्वेश्चन रिलेटेबल पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन से मिलते जुलते रहते हैं या कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसके अलावा आप लोग अभी किस आ, कह सकते हैं टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है रिविजन की ज़रूरत है और आपकी तैयारी किस लेवल में चल रही है आई होप इन सारी बातों से आप अवेयर होते चल रहे होंगे तो इसी प्रॉस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि क्लास आई आई विश के आपके लिए होपफुल हो रही हूँ हेल्पफुल हो रही हूँ तो ठीक है जल्दी से जुड़ जाइए लिंक को शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आज कुछ और क्वेश्चन लेंगे कुछ और नई चीज़ें देखेंगे जानेंगे कि और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं साथ में व्यापम जो है हिंदी के क्वेश्चन में कैसे कुछ और ब्लेंडर कर सकता है खैर तो चलिए जुड़ते हैं जल्दी और बाकी लोग का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और धीरे से क्वेश्चन लेते हैं ताकि धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाए तो आज का पहला प्रश्न लेने से पहले सभी को गुड आफ्टरनून जय श्री राम नमस्ते जी बिल्कुल सब पे भारी वर्दीधारी चलिए तो भारी होने के लिए सबसे पहले आपको अपना लेवल उस तरीके से बढ़ाना होगा निश्चित तौर पर अपना सिलेक्शन एक सीट अपनी फिक्स करनी होगी तो उसके लिए बस और कुछ नहीं जो चाहिए वो है केवल मेहनत और मेहनत सही दिशा में चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं आपके सामने आज का पहला प्रश्न है ये मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनियों की सीमा खाली स्थान है द रेंज ऑफोर्डिएबल साउंड्स फॉर ह्यूमन इज़ अस्सी हट से लेकर दो हज़ार हज बीस हर्ट से लेकर बीस हज़ार दो हज़ार हज तीस हर्ट से लेकर दो हज़ार या साठ हर्ट्स से लेकर तीन हजार हर्ट्स बताइए जल्दी मनुष्यों के लिए श्रव्य धनियों की सीमा यानी कि ऑडिएबल साउंड क्या होता है जल्दी बताइए ऑडिएबल साउंड क्या हो सकता है मनुष्यों के लिए जल्दी से सभी लोग आंसर आंसर करिए गुड आफ्टरनून बबलू जी अच्छा ओके आप लोग के आंसर आने शुरू हो गए हैं ओके okay, तो चलिए बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है और ज्यादातर लोग जो है वो ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं यानी कि बी सर्ट से दो हजार तो सही आंसर क्या हो सकता है चलिए देख लेते हैं ओके okay, जय श्री महाकाल तो देखिए आप लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया इसका सही आंसर क्या होगा तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुरूप ऑप्शन बी जो है वो सही होगा बट यहाँ पर बी भी जो है वो क्लियरली सही नहीं लिखा हुआ है जो सही आंसर है हमारा वो क्या होना चाहिए था देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो दिया गया है एग्जैक्टली exactly, बीस से लेकर बीस हज़ार हर्ज होनी चाहिए थी ना कि दो हज़ार हर्ज सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा हमारा बीस से लेकर बीस हज़ार यानी कि ट्वेंटी के ठीक है बीस हज़ार हर्ज जो है ये सही आंसर है अगर हम हर्ज में बात करते हैं तो बीस हज़ार हर्ज अगर हम किलो हर्ज में बात करें तब 2000 हज़ार किलो हर्ज जो है बीस किलो हर्ज जो है वो ज़्यादा सही होगा तब हम 20 किलो हर्ज़ कहेंगे या हम कह सकते हैं बीस हज़ार हर्ज या दो हज़ार हज्ज़ इस तरीके से आपसे किसी भी अगर आ, कह सकते हैं अलग अलग यूनिट चेंज करके क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा सही आंसर 20 से लेकर एग्जैक्टली exactly सोहन जी बीस से लेकर बीस हज़ार हर्ज होता है या आप बीस किलो हर्ज भी कह सकते हैं तो हमारा सही आंसर दे हमेशा याद रखिएगा अभी तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग ये आंसर सही था बट Uh, कह सकते हैं कंपेरेटिवली सही है बट अगर आपको इस तरीके से थोड़ा सा घुमा कर देना चाहे तो 20 किलो हर्ट्ज भी लिख देगा तो इस थोड़ा यूनिट का ध्यान दीजिएगा तो सही आंसर था 20 किलो हर्ट्ज इनको हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं मनुष्य जो है इतने हर्ट्ज की ध्वनियाँ सुन सकता है हर्ज जो होती है वो आवृत्ति को नापने की इकाई होती है यानी कि कितने कंपन प्रति सेकेंड हो रहे हैं इस आधार पर जितने कंपनों की संख्या उतने हर्ज हम काउंट करते हैं अगर प्रति सेकेंड हम बीस कंपन से लेकर बीस कंपन तक के ध्वनियों को सुन सकते हैं अगर हम बात करें कुछ ऐसे जंतु जैसे कि वे बात करें डॉल्फिन वगैरह हो गई या कुछ और जानवर वो जो है उनको भी वो सुन सकते हैं जिन्हें हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं अवश्रव्य ध्वनिया जो कि कह सकते हैं बीस से कैसी होती है कम की होती है बीस से कम की होती हैं और एक होती हैं पराश्रव्य ध्वनिया जिनको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक रेंज और इनको आ, जो साउंड होती हैं इनमें आप देख सकते हैं कि बीस हजार हज से अधिक का आवृत्ति परा परास होता है या रेंज होती है तो आपको ये ऑडिएबल साउंड इंफ्रासोनिक और आ, कह सकते हैं पराध्वनियाँ जो होती हैं इनकी रेंज पता होनी चाहिए मनुष्यों के लिए बीस से लेकर बीस हजार हज या बीस किलो हज तो सही आंसर था ऑप्शन बी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये निम्नलिखित में से कौन से कशेर की जन्तुओं के प्रमुख वर्गों में से एक नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्लासेज ऑफ मेजर क्लास क्लासेज ऑफ वर्टी ब्रेट एनिमल्स सिलेंट्रेटा पक्षी स्तनधारी, मछली बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा ओके मार्कर मैं चेंज कर दूंगी आप लोग आंसर देना शुरू करिए ऑलमोस्ट uh, शानू जी मान के चलिए कि एग्ज़ाम ही ऑलमोस्ट दो महीने चलेंगे uh, या डेढ़ महीने जो भी चलते हैं उसके बाद आपको कम से कम रिज़ल्ट आना और रिज़ल्ट आने के बाद डेढ़ महीने तक का समय मेरे अनुसार मिलना चाहिए जैसा कि पुराना देखा है मैंने या दिया जाता रहा है तो उसके अनुसार आपको मिनिमम डेढ़ महीना तो दिया ही जाएगा इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं देखिए बीच में अभी ये भी है चुनाव वगैरह हुआ आचार संहिता ये सारे केसेस कह सकते हैं सारी सिचुएशन बन सकती है और भी ज़्यादा समय मिल सकता है बट हमको थोड़ा प्रिपेयर होकर चलना है उस हिसाब से थोड़ा फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा क्योंकि अब फिजिकल में जो मार्क्स मिलने लगे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके रिजल्ट में खैर तो बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया ऑप्शन सी ऑप्शन बी और ऑप्शन ए थोड़ा मिले जुले से आंसर है मैंने हमेशा बोला है कि देखिए हर एक पेपर जो हम सॉल्व करते हैं हर एक शिफ्ट में आपसे एक दो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट इससे पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा आपको थोड़ा सा इन बातों में ध्यान देते हुए चलना है कि क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा रिविजन कर लीजिएगा यहाँ पूछा गया था कि वर्टिब्रेट कौन से नहीं होंगे वर्टिब्रेट में कौन नहीं आएगा या कौन से जंतु जो हैं वो हमारे कशेर की में नहीं आते हैं तो देखिए सीलेंट्रेटा जो है ये नहीं आता है इसमें आप बेसिकली किसको रखते हैं जैसे कि जेली की बात करें जेली इसका उदाहरण हो गई हाइड्रा इसका उदाहरण हो गया हाइड्रा तो ये सारे जंतु जो कि हमारे अकशेरकी हैं अकशेरकी के अंदर आने वाला कशेर जो फाइलम है यानी कि जिनमें मेर उदड़ नहीं पाया जाता अकशेरुकी जिनमें मेर उदण नहीं पाया जाता कशेर उकदंड नहीं पाया जाता है उसी का एक वर्ग होता है सीलन ट्रेटा।, ट्रेटा जो है ये हमारे अकशेरकी में आएगा तो ऑब्बियस की बात हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यही नहीं है कशेरकी के अंतर्गत अदरवाइज पक्षी स्तनधारी मैम ममेलियंस और या मैमल्स और मछली इसके अलावा उभयचर यानी कि एम्फीबियन उभेचर और इसके हम अलावा हम बात करें तो सरी सिर्फ ये दो भी जो हैं वो हमारे कशेरकी के अंतर्गत आते हैं तो यानी कि ये पांच जो हैं वो कशेरुकी हैं अदरवाइज हमारा यहाँ से ये ऑप्शन था जो कि कशेरकी में शामिल नहीं है दैट इज सी ट्रेटा चलिए तो ये था हमारा सही आंसर ऑप्शन ए जितने लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया दे आर राइट सेंस रेस जो है वो थोड़ा ध्यान देंगे इस बात का हम जो है इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे कि हमको रिवाइज क्या करना है और इसी अनुसार आप जो है अपना रिवीजन रखेंगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि विषम सदस्य में से किसी एक का चयन कीजिए ऑक्टोपस मसल जोंक या वित्रूप स्क्विड ऑक्टोपस या लीच या हम बात करें तो मसल क्या इसमें सही आंसर होगा बताइए जल्दी गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो देखिए एक सेफ़ मार्क्स सौ नंबर में आप फिर भी मान के चलिए कि सेवेंटी फाइव प्लस जो है वो गर्ल्स के लिए थोड़ा सेफ़ हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक संभावना ये भी रहती है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ नंबर घटे बढ़े तो एक सेफ़ मार्क्स हम मान के चले कि अकॉर्डिंग टू सीट पचहत्तर प्लस अगर आप लाते हैं तो आप सेफ़ हैं अदरवाइज़ वैसे तो देखिए आप एट्टी प्लस भी लाएंगे तो भी हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होगा हम तैयारी अपने इस हिसाब से रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें ताकि अल्टीमेटली हम यहाँ कट ऑफ में इतना कम रह जाए कि रनिंग का चांस ना मिले तो इन सबसे थोड़ा बचना है अच्छे मार्क्स लाने की आ, कोशिश करिएगा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो ऑप्शन भी बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया है आ, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए चल देख लेते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जोंक देखिए मैं इतना समझ सकती हूँ कि जैसे जो आपसे जंतु जगत का वर्गीकरण पूछा जाता है तो उसमें आप लोग निश्चित तौर पर बहुत सारे जानवरों के नाम नहीं जानते दैट्स ओके बट थोड़ा कुछ एग्जांपल आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप एक आध एग्जाम्पल के आधार पर अपने आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जो लीच होता है ये एनी के अंतर्गत आता है एनी हिंदी में जोंक कहते हैं जो एनी होते हैं यानी कि जिनमें एन्युलस यानी कि रिंग फॉर्म में पूरा शरीर

इसलिए ये हमारे ऑप्शंस में यही एलिमिनेट हो रहा था जो कि अलग था इसमें अदरवाइज ऑक्टोपस मसल विद्रूप यानी कि ऑक्टोपस मुसालिया स्क्विड जो होते हैं ये तीनों ही मोलस्का के अंतर्गत आते हैं इंक्लूडिंग घोंघा जबकि एनीलिडा में जो केचुआ ऐसे जंतु आते हैं तो हमारा सही आंसर था ऑप्शन सी जो कि इनमें अलग था अब चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है ये ईंधन के दहन द्वारा छोड़ा जाता है खाली स्थान बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन गैसेस या साउंड पोल्यूशन बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर बताइए क्या आप लोग के अकॉर्डिंग according... इसमें क्या होता है देखिए ये सारे जानवर अभी छू मैं इतनी बड़ी पेंटर नहीं हूँ तो यहाँ बना नहीं सकती हूँ आप लोग एक काम करिएगा ये जो क्वेश्चन आपको अलग लगते हैं या नए मिल जाते हैं तो हो सकता है कभी आपको फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए तो एक बार जरूर एक काम क्या करिए कि गूगल सर्च करके इनको जब क्लास खत्म हो तो देख लीजिए करिए तो इनके नाम लिख लीजिए पेन कॉपी लेके बैठा करिए जो चीज़ें आपके लिए नई हैं या आपको लगता है कि आपने नई आज बात वो जानी है तो उसको तुरंत नोट डाउन क्या करो मैं कहती भी हूँ कि स्क्रीन ले लिया करो उन क्वेश्चन का जो आपके लिए नए हुआ करे और एक बार थोड़ा सा अपनी इतना प्रयास तो बनता है हमको पोस्ट मिलने वाली है जीवन बदलने वाला है कि अगर हम कहा कोई चीज़ नहीं है और हमको लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्विट का नाम एक बार और पहले भी आ चुका था और तो आप कह सकते हैं कि आप इसको एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा ऐसा जीव दिखता कैसे एग्जैक्टली चलिए तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है एग्जैक्टली exactly यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए ही होना चाहिए हालांकि सी को भी हम गलत नहीं मान सकते हैं जैसा कि व्यापम ने पहली बार में आंसर जो दिया था वो था ख़तरनाक प्रदूषण यानी कि हजारडस पोल्यूशन तो आपको याद रखना है कि वायु प्रदूषण देखिए जनरली ईंधन का दहन होगा तो जो छोड़ा जाएगा गैसेज वो वायु प्रदूषण ही फैलाएंगी तो पहला हमारा जो आंसर होना चाहिए वो वायु प्रदूषण था चूँकि व्यापम ने खतरनाक प्रदूषण दिया था निश्चित तौर पर इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया होगा और ये क्वेश्चन में या तो दोनों को सही माना होगा या क्वेश्चन कटा होगा या सभी को नंबर मिलों जो कुछ भी हुआ हो बट ये दोनों ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं तो वायु प्रदूषण को जितने लोग आंसर कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग सही मानूंगी uh, जो है ये आप किसी भी पोल्यूशन को हजार ही कह सकते हैं खतरनाक ही कहलाएगा तो हम इसको इतने प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू मी इज राइट और अदरवाइज में जब ऑप्शन ऑब्जेक्शन uh, लगा होगा तो इसको बदला गया होगा खैर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड उक, uh, के कारण होती है एसिड uh, रेन इज कॉस्ड बाय ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस और कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन सल्फर और फॉस्फोरस या नाइट्रोजन और कार्बन बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा ए सी ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपको समिट्स के बारे में पता होना चाहिए अन्य अलग अलग कन्वेंशन हुए हैं किससे संबंधित थे उनका सन क्या था ये बेसिक बातें बाते इको सिस्टम में आप कुछ बेसिक बातें समझ लीजिएगा इको में कुछ उदाहरण देख लीजिएगा और साथ में जितने भी पोल्यूशन है उन पोल्यूशन का बेसिक रीज़न क्या होता है ग्रीन हाउस गैस या फिर ओजोन परत का क्षरण डिप्लीशन ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनको एक नज़र देखना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हुए उसके आस की चीज़ें भी रिवाइज़ ज़रूर करिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन ऑब्बसली बातें नहीं पूछा जाएगा बट ये भी संभव है कि एक क्वेश्चन रिपीट हो और उसके आसपास क्वेश्चन पूछे जाए तो देखिए बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी चूज़ किया है एंड द राइट आंसर इज़ एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर सल्फर एंड नाइट्रोजन सल्फर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड ये मिलकर पानी से सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है वातावरण में जब ईंधन का दहन किया जाता है उद्योगों से गैसेज रिलीज़ होती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे गैसेज छोड़े जाती हैं जब बारिश होती है तो ये बारिश की बूंदें जो होती हैं uh, या वातावरण में जो uh, कह सकते हैं बादल वगैरह होते हैं उनमें जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के वो के साथ मिलते हैं और एसिड फॉर्म करते हैं तो अगर सल्फर ऑक्साइड से मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड 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 बनेगा बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड से मिलेंगे तो नाइट्रिक और ये के रूप में पानी के साथ बरसते हैं मार्बल uh, uh, कह सकते हैं ब्लीचिंग यानी कि जो संगमरमर है उसका uh, जो रंग है वो डल पड़ जाना या ताजमहल को नुकसान होना क्योंकि उसके आसपास मथुरा रिफाइनरी है तो उसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है तो ये सारे आप इसके इम्पैक्ट दे सकते हैं त्वचा तो रोग भी इससे होते हैं तो ये है हमारा सल्फर और नाइट्रोजन Uh, से संबंधित ऐसे रेंज जिसमें आपने uh, एकदम uh, कह सकते हैं एकदम राइट आंसर दिया है तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट था सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड ये दोनों पानी के साथ बरसते हैं जिसे हम एसिड रेन कहते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये जिन जंतुओं में भ्रूण में थोड़ी ध्यान दीजिएगा हिंदी में गलत लिखा हुआ है इंग्लिश इसकी मैं करेक्ट कर देती हूँ आपको इसीलिए बोलती हूँ हमेशा इंग्लिश जरूर पढ़ना पेपर में जब भी आएगा तो ये ध्यान देना यहाँ जो रोगाणु लिखा हुआ है ये गलत है इसका इंग्लिश जो है वो जर्म है यानी कि इसका मतलब है जनन तो अब हिंदी से आप क्वेश्चन पढ़िए कि जिन जंतुओं के भ्रूण में तीन जनन पड़ते होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है रोगाणु पढ़ते नहीं रोगाणु गलत शब्द है इंग्लिश में जो जर्म होता है उस जर्म को इन्होंने रोगाणु अर्थ रूप में ट्रांसलेट किया है विच इज़ रॉन्ग राइट ट्रांसलेट ऑप्शन इसकी जो जो जन्म होगा दैट इज़ जनन परत तो जनन पर्तें किस में तीन पाई जाएंगी आपको बताना है आ, उनको हम क्या कहेंगे डाइफ्लो कहेंगे या यू मेटोजुअंस कहेंगे या हम इनको ट्रिफ्लो कहेंगे या क्रिप्टो गेम्स कहेंगे बताइए क्या कहेंगे इसमें से आप हालाँकि एक ऑप्शन तो सुने होंगे हो सकता है दो आपके लिए नए हों प्लीज़ ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है डेफिनेटली नया प्रश्न होगा है सरल थोड़ा अनुमान लगाएंगे तो भी सही दे सकते हैं आंसर क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है या बहुत ज़्यादा डीप नहीं है थोड़ा आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश इतनी नहीं आती है साक्षी जी तो कोई दिक्कत नहीं है बट हमारे पास एक बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि जब हिंदी में कोई चीज़ दी गई हो तो हम एक बार प्रयास तो करें इंग्लिश में पढ़ने का तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आपकी कमी रह गई वो आपके सिलेक्शन को रोकेगी तो दैट विल बी योर लॉस तो हमको उससे बचने के लिए हर एक वो चीज़ जो कि दूसरा स्टूडेंट कर रहा है और हमको उसी से कंपटीशन करना है, तो हमको करनी पड़ेगी है ना अब व्यापम को जाके हम देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में तो टोंक नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने गलत बनाया है ये क्वेश्चन गलत बनाया है कितने क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लेंगे या कितने कटेंगे ये बात की बात है पर उसके पहले हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है कि जब क्वेश्चन हिंदी में हमको लग रहा है कि कुछ गलत है मैं बार बार बता रही हूँ आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ऐसा उसने गलती की है तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है कि एक बार इंग्लिश में पढ़िए उसको सानू जी मैं आपको कहीं से भी पढ़ा रही हूँ फिलहाल मैं आपको आपके फोन में दिख रही होंगी तो मैटर ये करता है खैर तो देखिए अभी मैं इंदौर से पढ़ा रही हूँ यहाँ जहाँ सत्याधि शर्मा क्लासेस की पूरी ब्रांच है तो यहाँ से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं तो देखिए हमारा सही आंसर क्या है हमारा सही आंसर है यहाँ पर एग्जैक्टली जैसा कि बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया थ्री कोर की यानी ट्रिफ्लोब्लास्टिक तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ याद रखो देखो होता क्या है कि जब कोई जंतु इसमें कौन कौन आते ट्रिफ्लो प्लास्टिक में तो आप जब बात करते ट्रिफ्लो प्लास्टिक की तो इसमें जो आप कशेरुकी के अंतर्गत सरी सिर्फ सरी सिर्फ पक्षी पक्षी और जंतुओं की बात करते हैं हम या स्तनधारियों की बात करते हैं तो इन तीनों के ही जो भ्रूण होते हैं यानी जब बच्चे इनके बनते हैं ना तो इनके बच्चे बनने के लिए एक सिंगल सेल बनती है उस सिंगल सेल में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं और डिविजन के बाद उसकी तीन लेयर बनती है सेल में तीन लेयर बनती हैं जो बीच की लेयर होती है उसको मीजो कहते हैं क्या कहते हैं मीजो कहते हैं और जो बाहर की लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं या एपिडर्म कहते हैं एक्टोडर्म कहते हैं और जो अंदर की लेयर होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं उसे क्या कहते हैं एंडोडर्म उसे कहते हैं एंडोडर्म तो यही तीन लेयर जो होती हैं वो उसके पूरे शरीर को फॉर्म करती हैं उसके पूरे शरीर को बनाती हैं तो इन तीन लेयर के ही एस्पेक्ट में हम किसी सेल को या किसी जीव के भ्रूण जिसका भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसके भ्रूण से बनने के पहले जो एक बेसिक संरचना एक बॉल जैसी संरचना जिसमें तीन लेयर बट गई हैं इन तीन लेयर से ही कुछ लेयर उसके शरीर में ब्लड बोन्स इनका इनको बनाने का काम करेंगी कुछ उसकी त्वचा को बनाने का काम करेंगी कुछ अलग 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनाएंगी तो इस तरीके से तीन लेयर बटके उसके होता है। तो जिन जंतुओं के भ्रूण में हमको ये तीन लेयर दिखाई देती है प्लीज इसका इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हालांकि ऑप्शन से आपको अनुमान लगाना आसान था बट क्या है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इसके बारे में आपको यहाँ बता दिया तो स्क्रीन ले लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कि पासर कार्वस और कोलंबा एवर्स वर्ग के से वर्ग से संबंधित है उनके पास पंख होते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डीप पूछा है इतना डीप नहीं पूछना चाहिए था बट क्या कर सकते पूछा है पर इसके लिए भी मैंने आपको तोड़ तो बताया ही है कि देखिए जब इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं तो एक जनरल लॉजिक क्या लगाना चाहिए आंसर करने के लिए कि हमको कुछ नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में इतना डीप हमने पढ़ाई नहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम इतना डीप पढ़ने लगें तो बाकी सब्जेक्ट रिवीज रिवाइज नहीं कर पाएंगे और हमको तो हर सब्जेक्ट लेके चलना है पर ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा ना कि सही हो जाए हम ट्राई तो यही करेंगे कि सही हो जाए तो सही होने के लिए भी मैंने जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ये बताया है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में क्या हमको अनुमान लगाना चाहिए तुक्का भी किस दिमाग या किस लॉजिक को उपयोग करके लगाना चाहिए तुक्का भी ऐसे आंख बंद करके जाए सरस्वती माता ये नहीं करना कभी थोड़ा सा लॉजिक लगाना ताकि जो प्रॉबिबिलिटी है सही होने की वो बढ़ जाए तो क्या सही आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू फिर मैं बताऊंगी कि क्या होना चाहिए था इसमें आंसर तो कुछ लोग ऑप्शन डी चूज़ कर रहे हैं कुछ लोग ऑप्शन बी चूज़ कर रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है जल्दी जल्दी आंसर करिए जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं और पूरी क्लास देखते होंगे डेफिनेटली वो लोग बिना जाने इस क्वेश्चन को सही आंसर कर पाएंगे क्योंकि इसके पहले भी जो बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं मैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ बताया करती हूँ कि क्या अनुमान लगाया करो किस आधार पर आंसर दिया करो तो जो रेगुलर क्लास लेते हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर थम्स अप भेजेंगे ताकि मैं ये भी अनुमान लगा पाऊँ कि वो जो सही आंसर दे रहे हैं तो क्या वो इस लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं जो मैंने पहले मैंशन किया है हर हर महादेव कविता जी चलिए हर हर महादेव महादेव जी का नाम लेके आंसर दे दीजिए क्या सही आंसर होगा इसका तो चलिए बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी चूज़ किया है एंड द राइट आंसर इज एग्जैक्टली ऑप्शन डी यानी आर ए के लिए सही कारण है और मैंने हमेशा से ये बताया है जो लोग अभी क्लास देख रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ले अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता होता ऐसे कथन दिए जाते हैं और इतने कठिन कठिन शब्दों का उपयोग किया जाए कि पासर कार्वर्स कोलम्बा एवर्स एवीज वर्ग के से संबंधित है उनके पास पंख होते हैं तो सबसे पहले तो ये जानिएगा कि एवीज़ जो होता है वो पक्षी वर्ग कहलाता है तो, का पढ़ते हैं, तो उसमें पहला पिसीज जिसे हम पक्षी कहते हैं तो यहां पर अवीज वर्ग यानी पक्षी वर्ग के सब फाइलम बताए गए हैं या पासर कार्वस और कोलम्बा कार्वस में क्रो जैसी प्रजातियां आती है पासर में पिकॉक जैसी प्रजातियां आती हैं तो ये सारी प्रजातियां जो होती हैं अच्छा ओके okay. बहुत सारे लोग जो है वो रेगुलर क्लास लेते हैं तो उनमें आ, उनको मैंने हमेशा से एक चीज बताई थी कि देखो जब इतना डिफाइन कर देता है ना क्वेश्चन को तो वो कुछ भी नहीं लिखता है वो लोग गलत नहीं इतना ढूंढ के गलत नहीं लिखेंगे तो यहाँ जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं तो

अवीज वर्ग में आए हैं और अवीज के पास पंख होते हैं तो इसलिए सही है तो हमारा सही आंसर क्या था ऑप्शन डी तो इस ट्रिक का हमेशा उपयोग करना कभी भी जब कुछ ना जानते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कि अंगूर से शराब बनाना खराब होने वाले फलों को लंबे समय तक चलने वाले अल्कोहल में बदलना एक व्यवहार्य विकल्प है और आर इसका कारण दिया गया है महाराष्ट्र में कारण नहीं होना चाहिए हालांकि क्वेश्चन पता नहीं कैसे बनाए हैं महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित वाइनरी और इंग्लिश में एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या होगा इसका इंग्लिश में आंसर तो सॉरी इंग्लिश में क्वेश्चन मेकिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप्स इज अ वाइबल ऑप्शन फॉर कन्वर्टिंग परसेबल फ्रूट्स इन लॉन्ग लास्टिंग अल्कोहल Uh, वाइनरी लोकेटेड नियर पुणे इन महाराष्ट्र तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि दे, uh, देखो कथन ये है कि अंगूर से शराब बना देना uh, और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना ये बहुत समय तक फलों को चलाने का एक व्यवहार तरीका, तरीका हो सकता है व्यवहारिक तरीका हो सकता <laughs> है ख़ैर महाराष्ट्र के पुणे के पास वाइनरी यानी कि वाइन्स को बनाने के लिए पूरा एक कह सकते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पर या बहुत बड़ा प्लांट है तो आपको बताना है कि सही क्या आंसर होगा बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है और सही आंसर इसका क्या हो सकता है तो सही आंसर है इसका एग्जैक्टली exactly क्या है एग्जैक्टली ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही हैं ए और आर दोनों सही क्यों होंगे क्योंकि देखिए महाराष्ट्र आपने हो सकता सुने हो नासिक में तो काफ़ी सुना होगा नासिक में ऐसे वाइन की बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ इवन अगर कभी आपको मौका मिले घूमने जाइएगा तो वाइन टेस्ट भी कराते हैं अलग अलग तरीके की जो फ्रेश वाइन होती है वो टेस्ट कराई जाती हैं खैर पर इसके अलावा एक्जैक्टली exactly अंगूर या किसी भी फल को आप शराब में अगर कन्वर्ट करते हैं तो जितनी पुरानी होती जाएगी वो एल्कोहल जितनी पुरानी होगी वो उतनी ही बेस्ट क्वालिटी की होगी क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन या अवयी श्वसन जो कि बैक्टीरिया या ईस्ट के द्वारा किया जाता है वो लंबे समय तक होता रहेगा तो कह सकते हैं कि एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उनको कन्वर्ट कर दे तो कुछ प्रोडक्ट ही बन रहा है ख़राब हो जाएंगे फल तो कोई यूजफुल नहीं है पर अगर वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो धीरे धीरे उनका रेट बढ़ता ही जाएगा तो वो यूजफुल हो सकते हैं तो सही आंसर था हमारा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सत्य हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके हाँ सामने ये कि पशु उत्पादों द्वारा बनाई गई बायोडिग्रेडेबल सामग्री है बहुत ही आसान सा प्रश्न है पेपर एक प्लास्टिक की बोतल सूती कपड़ा या ऊन बताइए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि पशुओं से प्राप्त होता है और बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकृत हो सकता है ऋषिका <laughs> जी अपने से आ, कोई बीमारी को मत इजाद करिएगा बर्ड फ्लू हो रहा है पहले डॉक्टर के पास जाइएगा वो जैसा प्रेस्क्रिप्शन दे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा कौन सा फ्लू है ओके ठीक <laughs> है तो चलिए बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया है और सही आंसर हमारा क्या हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा एग्जैक्टली इजी क्वेश्चन था हमें जो जंतुओं से प्राप्त होता है पेपर ऑब्वियसली नॉट प्लास्टिक बोतल नहीं सूती कपड़ा नहीं बिल्कुल नहीं तो बचा क्या ऊन तो ऊन जो है पहली चीज़ तो आप यही जान जाएंगे कि ऊन जो है वो पशुओं से प्राप्त उत्पाद है और दूसरी बात ये भी है कि पशुओं से प्राप्त ऐसा उत्पाद है कि जो बायोडिग्रेडेबल है पशुओं का संपूर्ण शरीर ही जैव निम्नीकृत हो सकता है तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी चलिए ज्यादा समय नहीं लेते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये नॉन स्टिक कुकवेयर पर खाली स्थान नामक सामग्री का लेप लगाया जाता है कुकवेयर इज कोटेड विद अ मटेरियल कॉल्ड टेरिलीन पॉलियस्टर बेकेलाइट टेफलॉन अच्छा प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है और आई थिंक सभी लोग आंसर कर पाएंगे क्योंकि ये शब्द जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उनके बारे में आपने हो सकता है कई बार सुना हो कि उसमें कौन सी लेयर होती है अगर आपने एड्स भी देखे होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है इसीलिए आपको ज्ञान जो है ना वो चारों तरफ कहीं से भी मिल सकता है बस हर समय आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है हो सकता है आपने किसी से ऐसे ही जनरल कोई बात सुन ली हो और वो क्वेश्चन पूछ ले कभी तो इसीलिए हर समय सचेत रहा करिए एक अच्छा एस्पिरेंट वही है जो अपने आसपास की हर एक चीज़ टीवी इवन टीवी भी देख रहा है तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है चलिए तो बहुत सारे लोग ऑप्शन डी चूज़ कर रहे हैं कुछ लोग ऑप्शन सी चूज़ कर रहे हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन d टैफ़लॉन टेफ्लॉन की परत होती है जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं इसीलिए उनमें कोई भी आप अगर खाने की चीज़ बनाते हैं तो उसमें चिपकती नहीं है आसान होता है उनको साफ़ करना तो नॉन स्टिक कुकवेयर में जो लेयर होती है आ, बेसिकली जो कि उसको नॉन स्टिक बनाती है वो होती है टैफ़लॉन की परत सही आंसर था टेफलॉन बेकेलाइट के बारे में आपने सुना होगा बेकेलाइट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है यानी कि एक बार इसका गर्म करके इसको शेप दे दिया जाए तो उसके बाद फिर उसको गर्म करके आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो भी गर्म करने वाले बर्तन होते हैं जैसे कि कुकर हो गया या फिर कोई और बर्तन होते हैं उनमें हैंडल बनाने के लिए या प्रेस वगैरह के हैंडल जोते, उनमें बैकेलाइट का यूज होता है तो आपको बैकेलाइट के बारे में पता होना चाहिए टेरिलीन पॉलिस्टर इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं पॉलियस्टर वगैरह का उपयोग कपड़े उद्योग में किया जाता है मैंने इसके बारे में बताया था एक्जैक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया था टेरिलीन से भी क्वेश्चन आ चुका है तो आई होप आपको इन चारों के बारे में पता होगा क्योंकि हम लगातार जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनमें इन चारों से क्वेश्चन आ चुके हैं जिनको ना पता हो प्लीज पुराने क्वेश्चन को भले ही टू क्विक स्पीड में देख लो पर एक बार देख जरूर लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को रिलेटेबल ही मिलते हैं तो सही आंसर था ऑप्शन डी टेफ्लॉन और आपके सामने अगला प्रश्न है ये झील के पानी में पोषक तत्व का बढ़ा हुआ स्तर जलीय जीवों का अस्तित्व खाली स्थान है क्वेश्चन का सेंटेंस बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ा गया है हिंदी में इंग्लिश में इसीलिए बोलती हूं कि एक बार पढ़ लेना कि द इनक्रीज लेवल ऑफ़ न्यूट्रियट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द लेक वाटर खालिस्तान द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स लाइक फ़िश यानी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि न्यूट्रियस या फर्टिलाइज़र का जो तालाब है उसमें बढ़ा हुआ स्तर जो वहाँ के एक्टिक ऑर्गेनिज़म होते जैसे फ़िश वगैरह इनके सर्वाइवल में बाधा पहुँचाएगा प्रभावित नहीं करेगा सुविधा देगा या कोई प्रभाव नहीं होगा अब है ये क्वेश्चन सही है आंसर करो क्या सही आंसर हो सकता है जल्दी से आंसर करिए चलिए तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है और बहुत ज़्यादा डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है बहुत आसान सा प्रश्न है आ, हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं आ, किसकी उर्वरकों जो नदी खेतों में उर्वरक डाले जाते हैं वो उर्वरक बरसात के पानी के साथ बहकर नदी झील तालाब इन सब में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो एक्वेटिक जंतु हैं उनके लिए लाभदायक तो नहीं होंगे लाभदायक होते तो हम वैसे भी छिड़काव कर देते कि चलो खेत में डाल रहे हैं थोड़ा तालाब में भी डाल देते हैं पर ऐसा नहीं होता है नहीं लाभदायक होते हैं उनके लिए नुकसानदायक होते हैं और आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जब उर्वरकों का स्तर बढ़ता है नदी झील तालाब में तो उससे वहाँ पर जो छोटे छोटे जलीय पौधे होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है यानी एलगी जो होती हैं छोटी छोटी उनकी संख्या बढ़ जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण क्या कहते हैं हम इसको इसको हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन यूट्रिफिकेशन यानी कि सुपोषण इसको हम कहते हैं सुपोषण और इस सुपोषण की स्थिति में जबकि फर्टिलाइजर्स के पहुंचने से एलगी की संख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो उस तालाब की बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है ये जंतुओं के वहाँ पर रहने में सर्वाइवल में नुकसान पहुँचाती है हमारा तो सही आंसर था एग्जैक्टली ऑप्शन ए बाधा पहुँचाएगी और इससे आप याद रखिएगा सुपोषण को भी और बी को भी जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये अब आपको यहां पर मिलाना देखो हिंदी में फिर इसने गलत लिखा हुआ है इंग्लिश को थोड़ा ध्यान देना <laughs> चलिए तो हिंदी में जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन गलत लिख देते हैं इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में इसको सही तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है और मेरे हिसाब से शायद व्यापम भी गूगल ट्रांसलेशन कर रहा है तभी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन को टाइप करते हैं टीम से भी कहा जाता है कि आप किसी प्रकार से इसमें कोई बदलाव मत करिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं एस्पिरेंट हैं वो अवेयर रहें कि एक्चुअली में व्यापम की तरफ से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ पर आपको पढ़ने में इतनी दिक्कत वहाँ डायरेक्ट फेस हो उसके पहले बेहतर है कि आप प्रिपेयर रहें और क्या विकल्प हो सकता है इसका बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वो भी आपको पता हो चलिए जल्दी से आंसर देना शुरू करिए तो देखिए पूछा गया है मॉनसून इंग्लिश में देखिएगा मॉनसून उसके सामने लिखा है लू अस्तर कुछ भी नहीं होता है सही चीज लिखी है लू मेडिटेरेनियन इसके लिखा है डिसोडियस डिसीडियस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ वन और लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवन तो शॉर्ट एवरग्रीन वेराइटीज यानी कि लघु सदाबहार किस्में बताइए क्या सही आंसर होगा जल्दी जल्दी आंसर करिए क्या सही आंसर हो सकता है और एक बार जल्दी से सब लोग लिंक को शेयर कर दो आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ज़्यादा ज़्यादा लोग प्रश्न का आंसर देंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप इन लोगों के बीच में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं अभी कितनी तैयारी की और आवश्यकता है तो जितने लोग अभी ज्वाइन किए हों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चलिए तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी और डी चूज़ किया है और द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अब देख लेते सी आंसर क्यों सही होगा देखिए यहाँ पर इंग्लिश में जैसे कि मिलाते हैं तो इंग्लिश में ज्यादा आसान होगा पहले ही आप अगर ये चूज कर लें कि लोकल विंड जो होती हैं स्थानीय पवने तो लू एक स्थानीय पवन है उत्तर भारत में चलती है गर्मी के दिनों में स्पेशली अपने आप मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया में देख सकते हैं यहाँ जो स्टेट्स है यहाँ पर हमको पर्याप्त गर्मी में लू समझ में आती है तो लू जो है वो तीसरा जो है वो सी से मिलेगा और यहाँ पर थर्ड में जो आ, लोकल विंड्स तीसरे का ए सॉरी सी नहीं ए तो हमारा केवल तीसरे का ए यही आंसर दिया गया तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है तो थोड़ा आसान था मतलब एक ही अगर आप मिला लोगे जो आपको सबसे पहले बनता है उसको मैच करो ढूंढो वो एलिमिनेट कैसे हो रहा एंड देन आंसर जस्ट इट तो देखिए ये था हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर जो कि बहुत आसान था छाटना और कुछ आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है बड़े आसानी से छट जाता तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अगला प्रश्न आपके सामने ये बताइए अगला आ, क्या होगा इसका सही आंसर चलिए ओके okay. ये इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ ठीक होकर आ रहे हैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है खैर चलिए इसका आंसर क्या होगा सही ये बताइए क्वेश्चन है आपके सामने कि खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय किसानों को अपनी नाक और मुंह पर कपड़ा बांधना चाहिए खरपतवार नाशी का छिड़काव किसानों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है देखिए बहुत कठिन नहीं है इसमें आंसर सही दिख गया बट आई होप कि आप लोग आंसर वैसे भी सही लगा देते तो इसमें हम बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा एग्जैक्टली ऑप्शन ए और आर दोनों सही है नुकसानदायक होते हैं घर पर वार नासी इसलिए हमको नाक और मुंह पर कपड़ा बांध के ही आ, हमको नहीं मतलब किसानों को कपड़ा बांध कर ही इसका छिड़काव करना चाहिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके सामने नया क्वेश्चन भी है हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हम मॉडल क्वेश्चन नहीं मानते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर तैयारी शुरू कर दें बट चूँकि आया हुआ आंसर तो आप यही देखिए कि आपके तुक्के भी कितने सही लगते हैं चलिए खरपत नासी वाला तो आसान क्वेश्चन था वो आपसे बन जाता हालांकि उसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी बाद में आंसर जो है क्वेश्चन के साथ ही शो हो रहा था अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने आंसर करना शुरू करिए क्या सही आंसर हो सकता है आपको यहां पर दिया गया है निडेरियंस की समरूपता सिमेट्री ऑफ निडेरियंस बाथ स्पंज और सरलतम स्पंज यानी कि सिंपलेस्ट स्पंज और सही आंसर इसमें सबके सामने आपको दिए गए हैं यू स्पॉन्जिया ल्यूकोसोलिनिया या रेडियल समरूपता तो क्या सही आंसर होगा इसमें एक थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करना कि क्या सही आंसर हो सकता है क्योंकि अगर आपको भले ही कुछ ना पता हो इसके बारे में फिर भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा सही आंसर बताइए जल्दी से तो चलिए बहुत सारे लोग ऑप्शन सी चूज़ कर रहे हैं अच्छा बहुत सारे लोग ऑप्शन सी चूज़ कर रहे हैं और चलिए तो बहुत सारे लोगों ने चूंकि आंसर सी चूज़ किया है एंड द राइट आंसर इज एग्जैक्टली ऑप्शन सी आ, जो निडेरियंस की समरूपता है इसमें आ, इसको एक बार आप मिला लीजिएगा हालांकि ये क्वेश्चन जैसे कि मैं बोल रही हूँ ये पूछा नहीं जाएगा आपसे वापस से दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिल जाए मुश्किल है पर चूंकि सामने आ गया है तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा सरलतम स्पंज की जब हम बात करते हैं यानी कि सरलतम स्पंज कौन सा होगा तो ल्यूकोसोलोनिया को सरलतम स्पंज माना जाता है और स्नान बाथ स्पंज जो होता है यानी कि दो गाय यू स्पोंजिया को हम बाथ स्पंज भी कहते हैं ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है कि यू स्पोंजिया को यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है इसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं तो और भले ही बाकी कुछ चीज़ें आप याद रखें या ना रखें यू स्पंज वाली जो ये जितने भी जीव होते हैं ये पोरीफेरा यानी कि अकशेरुकी में पोरीफेरा जिनके शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं छिद्र पाए जाते हैं पोर्स याद रखेगा ये सब जंतु जगत में अकशेरुकी के अकशेरुकी के अंतर्गत पोरीफेरा में आते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत यू स्पंज या जिसे बात स्पंज कहते हैं और एक और जिसे हम यूप्लेक्टेला यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं यूप्लेक्टेला यूप्लेक्टेला और यूप्लेक्टेला को ये भी एक स्पंज की ही प्रजाति है जिसे हम वीनस के फूल की टोकरी कहते हैं जापान में इसको गिफ्ट में शादी के तौर पे दिया जाता है तो इसको हम वीनस के फूल की टोकरी कहते हैं एक बार आप लोग इसको गूगल करके बाद में देखिएगा जरूर फूल की टोकरी तो इसका स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि आपको इन दोनों के जो व्यवहारिक नाम है वो पता होने चाहिए चलिए तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा सही आंसर था ऑप्शन सी इट्स ना, स्नान स्पंज यानी बात स्पंज को हम यू स्पोंजिया भी कहते हैं यही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना और यू प्लेक्टेला वीनस के फूल की टोकरी पोरीफेरा के सारे जंतु हैं ये और अकशीरकी के अंतर्गत आएंगे याद रखिएगा जितने भी स्पंज होते हैं सब जंतु होते हैं अगला क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन वाष्पीकरण तब होता है जब तक सरल तरल खाली स्थान में बदल जाए आ, या फिर इव हैपन्स व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ खाली स्थान गैस सॉलिड लिक्विड स्ट्रीम बताइए क्या सही आंसर होगा गुड आफ्टरनून कोई बात नहीं गलत हो गया शिवी जी तो अब अगली बार सही होगा अभी जो हम सीख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर सकें सीख सकें ताकि पेपर में वापस से ये चीज़ें गलत ना हो और अगर मैं बता रही हूँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा अपने दिमाग को उस तरीके से उस चीज़ पर आ, फोकस करिएगा खैर बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है <laughs> चलिए तो ए बहुत तेजी से आंसर आ रहा लोगों का चलिए तो सही आंसर क्या होना चाहिए बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए और कुछ लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया है और एग्जैक्टली exactly बहुत आसान है कि वाष्पीकरण कब कहलाता है जब तरल लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए गैस में हम पानी को गर्म करते हैं पानी गर्म होकर क्वेनांग के स्तर में उबलना शुरू करता है उबलने के बाद वो वाष्पीकृत होना शुरू होता है सौ डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका वाष्पीकरण हो जाता है तो जब वो गैस में बदलता तभी तो वाष्पीकरण कहते हैं तो सही आंसर एग्जैक्टली ऑप्शन ए विदाउट एनी डाउट ऐसे क्वेश्चन गलत मत क्या करो ये गलतियाँ अफोर्डेबल नहीं होंगी ये आपके लिए भारी नुकसान दे सकती हैं चलिए तो सही आंसर था ऑप्शन ए बहुत ही सरल क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके सामने ये ईधन तरल ईंधन है जिन्हें बेहद कम तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए खाली सन फ्यूल्स आर लिक्विड फ्यूल्स डेट मस्ट बी स्टोर्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक डीजल पेट्रोल जीवाश्म ईंधन जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा और मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी एक आसान सा प्रश्न है अगर आपने कभी ये शब्द भी सुना होगा तो आप आंसर कर पाएंगे बताइए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए इसका अगर किसी ईंधन को बहुत कम टेम्परेचर पर संग्रहित किया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे चलिए जल्दी से आंसर करिए तो कुछ लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है कुछ लोग ऑप्शन सी चूज़ कर रहे हैं चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए क्या इसका आंसर हो सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग चलिए तो बहुत सारे लोगों ने आंसर चूज कर लिया है और ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग फिर से बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना ये आपके लिए बहुत आसान नंबर है बाकी तो कठिन क्वेश्चन जो आएंगे पिछला जैसा क्वेश्चन था उसमें तो खैर एक बार गलती आप लोग कह भी सकते हैं कि ठीक है अफोर्ड की जा सकती है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग के हो सकता है गलत हो जाए पर ये क्वेश्चन बहुत कम लोग गलत करेंगे इसलिए इसको गलत नहीं करना है द राइट आंसर इज क्रायोजेनिक ये याद रखिएगा कि कहीं भी अगर क्रायो वर्ल्ड आ जाए तो ये लो टेम्परेचर लो कहे को लो लोएस्ट टेम्परेचर लो टेम्परेचर को दिखाता है तो अगर हम बात करते हैं क्रायोजेनिक ईंधन की क्रायोजेनिक इंजन की तो इन सब का मतलब होता है कि बहुत लो टेम्परेचर की बात की जा रही है क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन जो होता है उसे बहुत लो टेम्परेचर यानी नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके माइनस बीस माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है तो क्रायोजेनिक जो टेम्परेचर होता है क्रायो शब्द जो होता है ये लो टेम्परेचर से रिलेटेड है चाहे वो क्रायोजेनिक ईंधन हो चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो क्रायो चाहे वो क्रायो प्रिजर्वेशन हो इन सब का संबंध लो टेम्परेचर से है प्लीज नोट डाउन इसके बाद कभी मत ये चीज गलत करना और क्रायो शब्द को हिंट समझना हमेशा लो टेम्परेचर के आस्पेक्ट में और याद रखना कि क्रायो शब्द सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन ईंधन बस नहीं पूछता इंजन भी पूछता है प्रिजर्वेशन भी पूछता है और ये भी याद रखना कि जब क्रायो प्रिजर्वेशन की बात की जाती है यानी कि क्रायो परिरक्षण की बात की जाती क्रायो आ, क्रायो परिरक्षण की बात की जाती है क्रायो परिरक्षण तो याद रखिएगा वहां पर तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तरल नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो हमारा सही आंसर था ऑप्शन ए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये टैनिक अम्ल का स्रोत क्या होगा कॉफी चाय गाजर आलू जल्दी बताइए कोई बात नहीं द ब्यूटीफुल वर्ड्स न्यू अपडेट्स इतना बड़ा नाम खैर तो अभी गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आगे नहीं गलत होना चाहिए मैं इसीलिए लिए हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें देखिए दो चीज़ होती है या तो आप अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करें जो नहीं बनेगा उसके आगे पीछे की कोई चीज़ हो सकता है आपको ढूंढने में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा बट जब आप कहीं से क्लास ले रहे होते हैं कुछ देख सीख रहे होते हैं तो टीचर जो होता है वो आपको उससे बढ़ के यानी जो आपको दिख रहा है उससे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें बताता है और वो आपके लिए जो होती है ना वो टाइम कंज्यूम करने से बचाती है बहुत सारी चीज़ों में तो उसका आपको फ़ायदा लेना कैसे कि जो यहाँ चीज़ बताई जा रही है उसका स्क्रीन लीजिए जो चीज़ बताई जा रही है उसको दिमाग में रखिए और बस इसी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको टीचर की तरफ से मिलता है उसको अपने ज्ञान में आगे बढ़ाते जाइए एड ऑन करिए और बस पेपर क्वालिफाई करिए चलिए तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं <laughs> नींद आ रही है तो सोइएगा मत अभी मन्यू सो गए थे जब माँ के घर में तो आधे चक्रव्यूह का भेदन नहीं सीख पाए थे इसीलिए आपको चक्रव्यूह के अंदर भी जाना है बाहर आने का रास्ता भी पता होना चाहिए तो सोना नहीं है हमको तो चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन बी चाय टैनिक अम्ल का स्रोत होता है ऑप्शन बी याद रखना कैफ uh, वैसे तो आप लोग को पता होता है कि कौन सा uh, कह सकते हैं मादक पदार्थ जो होता है इन सब में पाया जाता है तो कॉफी कॉफी जो होता है इसमें कैफीन पाया जाता है चाय में थीन पाया जाता है याद रखिएगा चाय में थीन पाया जाता है मतलब ये तो वो पदार्थ हैं जो इनमें नशीलापन थोड़ा सा उत्पन्न करते हैं पर इसके अलावा अगर एसिड की बात करें तो एसिड कौन सा पाया जाता है टैनिक एसिड ये किस में चाय में तो याद रखना है इसका मतलब बढ़िया क्वेश्चन था हालांकि ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग सही करेंगे क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है काफ़ी तो अब याद रखिएगा चाय में पाया जाता है टैनिक एसिड और बहुत सारी टैनिंग प्रोसेस जो होती हैं उनमें भी उस एसिड का उपयोग किया जाता है और ये एसिड हमको जब चाय को फर्मेंट किया जाता है प्राप्त करने उसको पाउडर मतलब जो प्रिजर्व करते हैं हम चाय को उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए जब करते हैं तो हमको ये सारे एसिड प्राप्त होते हैं खैर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारे सामने ये निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है आसान प्रश्न है केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सबके जो फेमस कुछ कंपाउंड कम, होते हैं उनके केमिकल फॉर्मूला पता होने चाहिए चलिए जल्दी से बताइए क्या, क्या, क्या इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन है आपके सामने और अगर फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला भी बताना क्या सही फ़ार्मूला है इसका चलिए तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी चूज़ किया कुछ लोग ऑप्शन डी चूज़ कर रहे हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री इन टू टेन एच टू टेन एच टू ओ जल योजित सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं एन ए टू एन ए टू सी ओ थ्री इन टू टेन एच टू ओ दिस इज़ द कम्प्लीट formula ऑफ वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा के बारे में आपसे इसके साधारण नाम साध, रासायनिक सूत्र ये सब पूछे जा सकते हैं सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है सोडियम बाई जो होता है ये धावन खाने का सोडा होता है सोडियम uh, हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेसिकली अलग अलग चीज़ में अलग अलग तरीके एन ए ओ एच यानी कि उपयोग किया जाता है बहुत सारी जगह पर तो आपको इनके फार्मूला पता होना चाहिए एन सोडियम कार्बोनेट का मैंने बता दिया सोडियम बाई एन एच सी ओ थ्री और सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच तो ये हैं इनके फार्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद होने चाहिए इतनी बेसिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है और सही भी है इतना पूछना भी चाहिए तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा तैयारी करिएगा फॉर्मूला रट डालिएगा आज ही आज का होमवर्क अपने लिए मान लीजिएगा कि जितने भी फॉर्मूले लूसेंट में इवेंट जो दिए हैं उनको आप रट लीजिए क्योंकि इतने बेसिक फॉर्मूले तो आ ही सकते हैं और आपको नंबर दे चले जाएंगे ठीक है तो इतने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो दिए रहते हैं लूसेंट में पीछे उनको जरूर रटना है केमिस्ट्री में और अगला प्रश्न आपके सामने ये पानी और एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन Descentation या बताइए आसवन निसंदन या निस्तारण नहीं होगा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन या होगा यहाँ पर निस्यंदन ये सही चीज है तो बताइए सही आंसर क्या हो सकता है कैसे हम एल्कोहल से पानी से अल्कोहल को अलग कर सकते हैं जल्दी आंसर करो कोई बात नहीं गलती हो जाती है और गलती हो भी रही है होती भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं पेपर में नहीं होनी चाहिए गलती इसीलिए हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए है ना चलिए तो आंसर करिए क्या सही आंसर हो सकता है जल्दी से सभी लोग आंसर करो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है कुछ लोग ऑप्शन डी चूज हैं ज्यादातर लोग के ऑप्शन ए हैं पूजा सोहन माया अपूर्व सूरज अनूप दीपक साक्षी राहुल सुनील रामू चलिए बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर दे दिया है और ज़्यादातर लोग हैं ऑप्शन ए के साथ कुछ लोग ऑप्शन सी और डी भी चूज़ कर रहे हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अब थोड़ा सा सुन लो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है मिश्रण को पृथक करने की जो विधियां होती हैं उसमें से एक विधि होती है डिस्टिलेशन यानी कि आसवन यानी कि दो विधियों का ये आ, कह सकते हैं सम्मिश्रण होता है जिसमें कि आप वासपन प्लस प्लस संघनन, संघनन इज इक्वल टू आसवन इज इक्वल टू आसवन यानी कि इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन इज इक्वल टू डिस्टिलेशन तो पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए ना आसवन एक बहुत अच्छी विधि है तो बेसिकली आसवन एक क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता आसवन से कि जब किसी मिश्रण के जो अवयवी तत्व है सपोज करिए आपने पानी लिया समुद्र का उसमें बहुत सारे और खनिज वगैरह मिले हुए गंदगी मिली हुई है तो जब किसी मिश्रण के जो अवयवी तत्व होते हैं उन अवयवी तत्वों के क्वनांक में यानी अलग बहुत अलग अलग टेम्परेचर पर सब क्या हो रहा है बॉइल हो रहा है तो उनके क्वनांक में जब बहुत डिफरेंस होता है जो भी मिश्रण है उसमें जो तत्व तीन चार प्रकार के मिले हुए हैं अगर उनके क्वनांक में वाष्पीकरण में बहुत ज्यादा अंतर हो तो उस परिपेक्ष में हम मिश्रण को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए आसवन का उपयोग करते हैं जबकि अगर मिश्रण के में में जो अव्यवी तत्व है उनके में बहुत कम अंतर हो यानी कि बहुत जल्दी जल्दी सब अपने अपने पर क्या हो 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 रहे रहे इवेपोरेट या आ, हो रहा उनका तो उसको हम उस वहां पर हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे उसको हम कहेंगे प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि पेट्रोलियम कच्चे तेल को आसवित करने के लिए या उससे मोम पैराफिन डीजल पेट्रोल इस सबको अलग करने के लिए प्राप्त उस विधि का उपयोग किया जाए जाता है तो दो होती हैं एक आसवन होती है जिससे पानी या देखिए आप जानते हैं अल्कोहल बहुत जल्दी क्या हो जाएगा वाष्पित हो जाएगा तो हम जैसे ही क्या करेंगे गर्म करेंगे तो सबसे पहले अल्कोहल जो है वो अलग हो जाएगा पानी तो वैसे भी सौ डिग्री सेल्सियस में बॉइल होता है वाष्पीकृत होता है जबकि अल्कोहल जो है तो तो वो बहुत जल्दी क्या होता है अल्कोहल जो है बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है आप तो ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो थिनर वगैरह में आपने देखा होगा अल्कोहल रहता है वो वैसे उड़ जाता है तो टेम्परेचर देने पर तो तुरंत वो क्विक एकदम क्या होगा वाष्पीकृत हो जाएगा तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे बेस्ट मेथड टू कह सकते हैं सेपरेट अल्कोहल एंड पानी यानी वाटर पर इसके अलावा आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने के लिए या हम कह सकते हैं कच्चे तेल को शोधन में हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं जहाँ पर जिनके क्वनांकों में बहुत कम अंतर हो और क्वनांकों में ज़्यादा अंतर हो तो आसवन का तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं याद रखना इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसा मैंने बताया ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मिश्रण के अवैवी तत्वों में बहुत ज़्यादा क्वनांकों का अंतर होता है तो कौन सी विधि उपयोग की जाएगी आसवन और जब बहुत कम अंतर होगा तो प्रभाजी आसवन कच्चे तेल के शुद्ध मिश्रण को शुद्ध करने के लिए के प्रभाजी आसवन सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर था अगला प्रश्न आपके सामने ये खाली की आयु के बीच के बच्चों को किशोर कहा जाता है चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ फिल इन द्लैंक्स आर कॉल्ड एडोलसेंस बताइए क्या होगा इसका सही आंसर पांच से ग्यारह ग्यारह से उन्नीस से उन्तीस दो से आठ बताओ चलिए जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन पे फोकस रहिए मैं साइंस पढ़ा रही हूँ और इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग पेपर क्वालिफाई कर सको जो पेपर आ रहे हैं उसका टेम्परामेंट समझ सको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझ सको इतना आश्चर्यचकित मत हो अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो निश्चित तौर पर ये समझ जाओगे और नहीं हो तो कुछ देर क्लास लोगे तो समझ जाओगे कि हम ये कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चलिए तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर क्या बहुत सारे लोग ऑप्शन डी चूज़ कर रहे हैं कुछ लोग ऑप्शन बी चूज़ कर रहे हैं एंड द राइट आंसर इज़ पूछा गया था किशोर अवस्था जो कि ऑप्शन बी ग्यारह से उन्नीस जो होती देखो ग्यारह ग्यारह से नीचे वाले जो होते वो तरुण अवस्था कहलाती है ग्यारह से ऊपर वाली त, किशोर अवस्था होती है उन्नीस से ऊपर वाली वयस्क अवस्था होती है फिर उसके बाद और वयस्क वृद्धावस्था वगैरह आती है तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ग्यारह से उन्नीस देखिए पाँच से ग्यारह जो है इतने छोटे बच्चों को हम किशोर तो कहेंगे नहीं हम चौबीस से उन्तीस इतने बड़े बच्चों को भी किशोर नहीं कहेंगे दो से आठ ये तो और छोटे हो गए तो बच्चा वो ऑप्शन ग्यारह से उन्नीस सही आंसर ग्यारह से उन्नीस जिनको हम अडोलसेंस या किशोर अवस्था के बच्चों को के अंतर्गत रखेंगे तो यह था हमारा सही आंसर इसके ऊपर वयस्क और इससे छोटे तरुण चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये ध्वनि के खा, ध्वनि खाली स्थान के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती द साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रूल वाटर एयर लाइट वैक्यूम बताइए क्या सही आंसर होगा चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट पड़ से आंसर करिए अच्छा क्वेश्चन है ये और इजी भी है आई थिंक तेजी से सभी लोग आंसर करो और एक जैसा आंसर करना गलत मत करना मतलब कॉपी मत करना सही आंसर देना ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ चलो तो बहुत सारे लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया है कुछ लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी चंद्रमा अंतरिक्ष जहां वायुमंडल नहीं है यानी हवा में कोई माध्यम नहीं है वैक्यूम है एक तरीके से वहाँ पर ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती या साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती पास में ही खड़े दो लोग आपस में बात करेंगे मुंह चलाएंगे पर सुनाई नहीं देगा सामने वाले को रीज़न ये है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है तो यानी ध्वनि किस में ट्रैवल नहीं कर सकती इन सब में ट्रेवल कर अच्छा रोशनी भी एक ऑप्शन हो सकता है ध्वनिक खालिस्थान के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती तो रोशनी के माध्यम से वैसे क्या ही यात्रा करेगी इसका सही आंसर हालांकि वैक्यूम है बट ये ऑप्शन थोड़ा उठपटांग बना दिया यहाँ पे कुछ और ऑप्शन रखना चाहिए था सही आंसर क्या है हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार दूसरे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है सूरत अहमदाबाद वडोदरा विजयवाड़ा देखिए ये उस समय पूछा गया करंट अफेयर था हम मैं अभी के एस्पेक्ट में आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा मैं भी बता देती हूँ देखिए अभी जो 2022 का सर्वे आया है 2022 के सर्वे के अनुसार स्वच्छतम शहरों की श्रेणी में सबसे फर्स्ट है फर्स्ट कौन सा है अपना इंदौर फर्स्ट है इंदौर इंदौर है लगातार छठवीं बार शायद ये स्वच्छता की श्रेणी में आ, बेस्ट आ, सिटी की कैटेगरी में आया है उसके बाद हम बात करें तो और एक शहर है दूसरा जो सेकंड है और पहले भी ये सेकंड था वो है सूरत और तीसरा है हमारा नवी मुंबई थर्ड है नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र तो हमारा सही आंसर क्या है न्यू बॉम्बे इंदौर सूरत और न्यू बॉम्बे या नवी मुंबई तो ये हैं अभी की स्वच्छ सर्वेक्षण के डेटा जिसके अनुसार आपको पता होना चाहिए कि अभी भी सूरत सेकंड है तब भी 21 में भी सूरत सेकंड था पहला अभी भी इंदौर है पहले उसके पहले भी इंदौर था हमारा तो सही आंसर है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भी सूरत सही है इक्कीस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी सूरत सही है एग्जैक्टली exactly, सोहन जी वेरी गुड और हमारा वेरी गुड सोमेश सही आंसर था ऑप्शन ए सूरत अकॉर्डिंग टू 2021 2022 के अकॉर्डिंग भी सूरत ही सही है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत सबसे बड़ा स्रोत एक्चुअली में आंवला चॉकलेट शकरकंद चावल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन फ्री के नंबर ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना जल्दी से आंसर करो सही आंसर क्या होगा हेलो शिवी जी चलिए आंसर करिए क्या सही आंसर हो सकता है इसका और आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है इसको आप लोग गलत नहीं करेंगे एज आई एक्सपेक्ट टू ऑल ऑफ यू चलिए जल्दी से आंसर करिए ओके बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है विदाउट एनी डाउट इन सारे ऑप्शन में बहुत आसान है छंटना आंवला हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर था exactly, यानी कि विटामिन सी का स्रोत जो होते हैं वो सभी सिट्रस फैमिली के फ्रूट यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं आंवला संतरा और हम बात करें मोसम्मी ये सब जो होते हैं हमारा आ, इसका अच्छा स्रोत होंगे तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये पानी का रासायनिक नाम क्या है बहुत ही आसान सा प्रश्न जल्दी से आंसर करना पानी का कर रासायनिक नाम क्या है जल्दी बताओ <laughs> सब अपने घर में ही है सोमेश जी कौन घर जाएगा फोन से कहाँ घर घर को ही जाएगा चलिए तो आंसर देना शुरू करिए आपस में कमेंट्स में थोड़ा कम बात कीजिए देखिए हमको जितना फोकस यहाँ रहेंगे उतना ही अच्छा आप अपने एग्ज़ाम में आ, कर पाएंगे परफॉर्मेंस तो जल्दी से आंसर करो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी चूज़ कर लिया है नहीं नहीं तो बस हो गया नहीं चलिए तो सही आंसर क्या होगा इसका एग्जैक्टली exactly ऑप्शन भी बहुत कठिन नहीं था पानी का रासायनिक नाम एस और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है ब्राउन शैवाल का सामान्य नाम ये अच्छा प्रश्न है इसको नोट डाउन कर लेना अभी मैं बताऊंगी अगर आप गलत करते हैं तो सही करते हैं तो उनके लिए भी बताऊंगी और बाकी जो इसके विकल्प हैं उनके बारे में भी बताऊंगी तो जल्दी से आंसर करो क्या सही आंसर होगा हमारा ब्राउन शैवाल भूरी शैवाल उसको और किस नाम से जाना जाता है बताइए जल्दी बताइए ब्राउन शैवाल किसे कहेंगे हम चलिए जल्दी से आंसर करिए और फिर आपने आज स्कोर भी बताना कैसा आप लोगों ने आज परफॉर्म किया कितना सुधार आ रहा है कैसा आपका रिवीजन चल रहा है कैसी तैयारी चल रही है और सही स्कोर बताना कॉपी करके कुछ भी मत बताना चलिए तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है ऑप्शन सी चूज़ कर रहे हैं फियोफाइसी फियोफाइसी इज़ द राइट right आंसर और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं देखिए जो क्लोरोफाइसी होता है तो क्लोरोफाइसी से याद रखना क्लोरो शब्द क्लोरोफिल से याद रखना यानी कि जो हरे शैवाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं फाइसी शब्द फाइटा यानी पौधों के लिए शैवालों के लिए उपयोग होता है तो हरे शैवालों को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं रोडोफाइशी रेड से याद रखना हालांकि रोडो शब्द जो है रोडोप्सिन रोडो ये सारे शब्द जो है वो रेड से नहीं कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं सॉरी रोडो रोडोफाइसी की हम बात कर रहे हैं तो ये जो होती हैं लाल शैवाले होती हैं लाल शैवाल को हम रोडोफाइसी कहते हैं पीओाइसी का आपने जान ही लिया और मोडोफाइसी जो है ये बहुत कुछ विशेष नहीं है इसमें भी रेड कलर की शहवाले जो हैं थोड़ा शामिल की जाती हैं हमारा सही आंसर जो था वो था ऑप्शन सी और क्लोरो और रोडोफाइसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए खैर ब्राउन शैवाल आयोडीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं तो आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए जल्दी से अपने आप लोग स्कोर बताइएगा और जाने के पहले कुछ आपके लिए जानकारी जैसा कि सत्याधि शर्मा क्लासेस की तरफ से वर्ग एक चयन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं एक रुपए में और ये सारी फैकल्टीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने अपने सब्जेक्ट में ये वहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं जैसे कि हिंदी आपको हिंदी लिटरेचर आपको डाँगी सर से पढ़ने को मिलेगा इसी तरीके से सारे टीचर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं इसके अलावा पुलिस प्रहार बैच जो कि पुलिस ये जो अभी भर्ती आई है उसके लिए सत्याधि शर्मा क्लासेस की ओर से तीन मंथ इसकी वैलिडिटी है कंप्लीट इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे पचास टेस्ट मिलेंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है आप चाहे तो ऑफलाइन वीडियोज भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मात्र आपको वन में उपलब्ध है इसके अलावा आप एम पुलिस का ये जो बैच है आप सत्याधि शर्मा का ऐप डाउनलोड करके माई कोर्स में जाकर इस ऑप्शन में जाकर थर्टी टेस्ट जो है उनको फ्री एक्सेस कर सकते हैं उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं अपने आप को एक बार एवेलवेट कर सकते हैं कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है है शर्मा के ऐप पर बस करना क्या डाउनलोड करना है ऐप और माई कोर्स ऑप्शन में जाकर ये सारे टेस्ट आप वहां से लगा सकते हैं और इसके अलावा एम पुलिस में ही आपको फ्री ई बुक्स जो है वो सत्याधि शर्मा के ऐप पर अवेलेबल है जहां पर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की जो ई e बुक है वो आपको माई कोर्स ऑप्शन में जाकर मिलेंगी तो ये सारी सुविधाएं आपको सत्याधि शर्मा ऐप की तरफ से सत्याधि शर्मा क्लासेस की ओर से मिल रही हैं इसके अलावा वर्ग दो चयन परीक्षा जो होने वाली है जिसका रिजल्ट आ चुका है उसके लिए भी मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें ऑनलाइन कोर्स आपको अवेलेबल है वन नाइन नाइन में वन नाइन 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 में आपको ये कोर्स अवेलेबल है जिसमें हिंदी साहित्य विज्ञान गणित और ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इनके आपको uh, ना सिर्फ लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे फ्री टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगी और ऑफलाइन वीडियोस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी आप जो इसके uh, फर्द uh, इसकी फर्दर इंक्वायरी है वो आप कमेंट uh, सेक्शन में नंबर शो हो रहा होगा उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं और लास्ट आपके लिए कि वर्ग दो चैन की ऑफलाइन बैचेज़ भी सत्यादि शर्मा की ओर से जो चलाए जा रहे हैं यहाँ के जो ब्रांच है uh, सत्यादि शर्मा की हेड ब्रांच जो है वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जाकर पता कर सकते हैं नवलखा में ये ब्रांच है और इसका जो टाइमिंग होगा वो अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है इन टाइमिंग में आप ये क्लासेस जो है वो ले सकते हैं जिसमें आप न्यू स्टूडेंट जो है वो छः हज़ार में और ओल्ड स्टूडेंट चार हज़ार में कोर्स ये परचेस कर सकते हैं और ये लास्ट में जो कि यूट्यूब में चलने वाली क्लासेस हैं इनकी टाइमिंग जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग समय पर मॉडल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये टाइमिंग चलाई जा रही हैं तो आई होप कि जो हम क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं आपके लिए जो तैयारी के इस रास्ते में नई नई चीज़ें जो उपलब्ध करा रहे हैं उसका आप फ़ायदा ले रहे होंगे और अपनी तैयारी और बेहतर कर रहे होंगे और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छी सीट पाएँ और जैसा कि इस बैच का नाम है वैसे बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्ट हों तो ठीक है आपके स्कोर दिन पर दिन और अच्छे पढ़ते जाए पच्चीस में पच्चीस आप स्कोर करें और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आगे भी हेल्पफुल हों बहुत अच्छा हो कि अगर यही क्वेश्चन आपको मिल भी जाए तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ और नई जानकारी के साथ थैंक यू